कर्नाटक में मराठी भाषियों ने मनाया काला दिवस, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार उन मराठी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है जो कई सालों से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। कर्नाटक के बेलगाम में 1 नवंबर को बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए और पुलिस ने काले झंडे फहराने पर रोक लगा दी। हालांकि महाराष्ट्र एकीकरण समिति अभी भी आंदोलन की तैयारी कर रही है। हर साल 1 नवंबर को मराठी भाषी काला दिवस मनाते हैं। मराठी भाषी आज तक बिना किसी हिंसक आंदोलन के और तमाम प्रतिबंधों का पालन करते हुए लड़े हैं। हर साल काले रिबन के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि इस वर्ष महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने लोगों से अपील की थी कि वे समूहों, प्रार्थनाओं, संवादों और चर्चा सत्रों में अपना विरोध दर्ज करें, नियमों का पालन करें और जहां भी संभव हो कोरोना की पृष्ठभूमि के खिलाफ किसी भी हिंसक आंदोलन के बिना प्रदर्शन करें। इसलिए मराठी भाषी शहर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको पुलिस का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।